जल्दी से प्रेप क्लास अपनी बुक ओपन करें। शाबाश। पहले आपने क्या करना है? इंग्लिश बुक ओपन करनी है। कौन सी बुक? इंग्लिश बुक। शाबाश, ये पता चल गया आपको। जल्दी से ये ओपन करें। देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा था? पेज नंबर कौन सा है? 68। इसमें हमने क्या पढ़ा था? शाबाश मेरे साथ, आपने हर सेंटेंस को 3 टाइम रिवाइज करना है। इज, एम एंड आर ही द गिवन सेंटेंसेस। अब मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है, ठीक है? आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। इस तरीके से आपने प्रोनाउंस करना है इसे, ठीक है? आई एम अ बॉय। शाबाश, आई एम अ बॉय। नेक्स्ट देखिए, दिस इज सारा, शी इज अ गर्ल, दिस इज रिहान, ही इज अ बॉय। लास्ट पे आ जाए, देखिए ये क्या बना हुआ है, तो बहुत यमी है। आपने क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक में भी पढ़ा है ना, आई एम एन एप्पल, आई एम रेड। और एप्पल क्या होता है? स्वीट भी होता है, मीठा। आई एम अ हैन, आई एम फैट। ये देखिए, ये फैट है ना, मोटी है, तो आपको नज़र आ रही है ना, तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? फैट। नेक्स्ट पेज देखिए एक दफ़ा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमने रिवाइज करना है कि हमने क्या पढ़ा था। इट इज़ अ ट्रेन, इट टर्न्स फास्ट, इट इज़ एन ऑरेंज, इट इज़ जूसी, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट, ये भी हमने क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक में पढ़ा है, याद है ना आपको? यू आर एन एलिफेंट। ये देखिए, भाई कह रहा है एलिफेंट को, ठीक है? यू लिव इन अ जंगल, यू आर बिग। ये देखिए, एलिफेंट बड़ा नज़र आ रहा है ना आपको, तो इसे क्या बोलेंगे? यू आर बिग, यानी कि आप बड़े हो। नेक्स्ट देखिए, हमने पढ़ना है मैनर्स। क्या है? मैनर्स। इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। मैनर्स क्या होते हैं? अच्छे बच्चों को बहुत सारे मैनर्स याद होते हैं कि हमने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, काम कैसे करना है। अगर आप कैंटीन में जाते हैं चीज़ लेने, तो आप कैसे जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है? देखिए, ये फर्स्ट पे, वी शुड शेयर आवर थिंग्स। कैसे? मेरे साथ पढ़ें, वी शुड शेयर आवर थिंग्स, वी शुड शेयर आवर थिंग्स, वी शुड मेक अ क्यू। हमें क्या करना है? चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, हमें लाइन अप होना चाहिए, क्यू बनानी। क्यू यानी कि कितार, आप लाइन बनाते हैं ना, जैसे कि कैंटीन में अगर जाएं आप, तो आप लाइन अप होकर जाते हैं, उसके बाद आप चीज़ लेके वापस आते हैं, जज़ाकिल्ला बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नीचे आ जाएं, इस पे क्या है? वी शुड टेक टर्न्स वाइल प्लेइंग। कैसे? मेरे साथ साथ रिपीट करें, वी शुड टेक टर्न्स वाइल प्लेइंग। 3 टाइम रिपीट करें इसे। शाबाश, वी शुड टेक टर्न्स वाइल प्लेइंग। वी मस्ट थ्रो गार्बेज इन अ बिन। शाबाश, इसे 3 टाइम रिपीट करें जल्दी से। वेरी गुड, रिपीट कर लिया है। शाबाश, आज हमने क्या पढ़ा है? सारे बच्चे मिलके बताएं, मैनर्स। क्या है? मैनर्स। हमने क्या पढ़ा आज? मैनर्स। आपने फर्स्ट 2 बॉक्सेस पे डेट लगानी है, लेकिन आपको तो पता है सारी बातें, आपको पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। शाबाश, जल्दी से इन दोनों बॉक्सेस पे डेट लगा लें। हमने पढ़ लिया है, और अब हमने क्या करना है? प्रैक्टिस बुक ओपन करनी है। शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें प्रैक्टिस बुक। इसका पेज देखते हैं आज कौन सा हमने पढ़ना है। देखिए, प्रैक्टिस बुक पे आज हमने कौन सा क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक पढ़ना है, कौन सा है? एप्पल, पेज नंबर 80 पे। इस पे पहले तो हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? रीड द गिवन वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है? आई हैव अ वाइट कैट, आई हैव अ वाइट कैट, आई लव माई फैमिली, आई लाइक माई हाउस। मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, कौन सा है? स्वीट फ्रूट, इतना मज़े का है, यमी है, मीठा होता है मैंगो, तो स्वीट फ्रूट हुआ, ठीक है? वो मीठा होता है ना, इसलिए। और आपको पता है कौन कौन से फ्रूट मीठे होते हैं? एप्पल भी मीठा ही होता है ना, स्वीट होता है। नीचे देखिए, क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक है, इसमें हमें क्या बताया हुआ है? ये देखिए, एप्पल टेस्टी, रेड
हेल्दी स्वीट। अब देखिए इसके हमने एप्पल आपको किस कलर में नजर आ रहा है, रेड, किसमें, रेड में। देखिए इसमें हमने ये करना है, इट इज़ एन एप्पल, इट इज़ अ बिग एप्पल, इट इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ रेड, इट इज़ वेरी स्वीट। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये वाला अपनी बुक पे नोट करना है, क्या करना है, बुक पे पेज नंबर 80 पे नोट करना है। उसके बाद आपने यही अपनी एच वर्क वाली नोटबुक जिस पे आप क्लास वर्क और एच वर्क करते हैं वहाँ नोटबुक पे हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने राइट करना है। जल्दी से अपनी नोटबुक भी ओपन कर लें और बुक पे राइट कर लें, शाबाश। प्रेप क्लास अपनी नोटबुक ओपन करें, शाबाश। इसमें आपने पता क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग देनी है, डेट लगानी है, एच वर्क लिख के फर्स्ट लाइन पे इंग्लिश, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग पेज नंबर 80। इस पर आपने जो अभी मैंने आपको राइट करवाया ना, इट इज़ एन एप्पल, इट इज़ अ बिग एप्पल, वो वाली सारी लाइनें, 5 लाइन्स आपने राइट करनी है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से राइट करनी है, इसके साथ साथ आपने पोइम भी रिवाइज करनी है। चले मेरे साथ मिलके रिवाइज करें खोपले खोपले वाली पोइम। चले, खोपले खोपले मैन माई शू, गेट इट डन बाय 2:30, 2:30 इज मच टू लेट, गेट इट डन बाय 8:30। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन एंड आई विल गिव यू 1/2 crown। ये वाली पोइम आपने रिवाइज करनी है, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मान लिया।